हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए 5 न्यू MIUI 14 थीम्स लेकर आ गए हूं और सभी के सभी बहुत ही ब्यूटीफुल और मिनिमल थीम्स हैं और मिनिमल चेंजेस के साथ आते हैं। ज़्यादा कुछ आपको यहां पर फैंसी देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर आपको क्लीन एंड मिनिमल थीम्स पसंद है तो ये वीडियो है आपके लिए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप राइट इनटू इट। तो बात करें फर्स्ट थीम की तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप की एक ब्यूटीफुल वॉलपेपर के साथ आता है। आइकॉन्स यहाँ पर स्क्वेयर से मैन जो कि कुछ इस टाइप के लगते हैं। और बात करें विजेट की तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक मिनिमल विजेट मिल जाता है, ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं है। और कंट्रोल सेंटर पर जाते हैं तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के कंट्रोल सेंटर के साथ आता है ये थीम। कंट्रोल सेंटर यहाँ पर मिनिमल चेंजेस के साथ आता है, मतलब यहाँ पर बस जो क्विक टॉगल्स हैं उनकी कलर चेंज हुआ है। नोटिफिकेशन पैनल की बात करें तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का है। यहाँ पर जो क्लियर बटन है इसका भी कलर चेंज हुआ है। और अगर हम जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के बैकग्राउंड के साथ आता है। और ये जो थीम है ये डार्क मोड को सपोर्ट नहीं करता। और बात करें लॉक स्क्रीन की तो ये कुछ इस टाइप के ब्यूटीफुल लॉक स्क्रीन के साथ आता है। इसका जो लॉक स्क्रीन है मुझे काफ़ी अच्छा लगा, एक ब्यूटीफुल विजेट यहाँ पर लॉक स्क्रीन में देखने को मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पर टैप करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो विजेट का स्टाइल है ये चेंज हो जाता है। यहाँ पर कुछ शॉर्टकट्स एंड विजेट्स मिल जाते हैं। तो कुछ इस टाइप के लॉक स्क्रीन के साथ आता है हमारा फर्स्ट थीम। तो थीम का नाम है माउंटेन्स बाय डिजाइनर 19 और इसकी साइज है ओनली 6.4 MB। और बात करें सेकंड थीम की तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप की एक क्लीन होम स्क्रीन के साथ आता है। यहाँ पर ब्यूटीफुल आइकॉन्स मिल जाते हैं एक कैट वॉलपेपर के साथ जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। आप देख सकते हो आइकॉन्स काफ़ी अच्छे लगे मुझे। और बात करें विजेट की तो एक मिनिमल विजेट है, मिनिमल लुक के साथ आता है। और बात करें कंट्रोल सेंटर की तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के कंट्रोल सेंटर के साथ आता है। ट्रांसलूसेंट बैकग्राउंड देखने को मिल जाता है और यहाँ पर जो कलर है चेंज हुआ है। नोटिफिकेशन पैनल की बात करें तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का है। और अगर हम जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर तो आप देख सकते हो यहाँ पर सेम बैकग्राउंड देखने को मिल जाता है। देन बात करें लॉक स्क्रीन की तो ये थीम कुछ इस टाइप के लॉक स्क्रीन के साथ आता है, काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। यहाँ पर सेम कैट वॉलपेपर है, यहाँ पर काफ़ी सारे शॉर्टकट्स हैं और जो विजेट है ये भी काफ़ी अच्छा लगता है। तो अगर आपको मिनिमल थीम्स पसंद है तो ये थीम आपको पसंद आ सकता है। थीम का नाम है ब्लैक कैट बाय डिजाइनर 19 और इसकी सही है 11 MB। नंबर 3 पर है एक और क्लीन एंड ब्यूटीफुल थीम। आप देख सकते हो बहुत ही क्लीन होम स्क्रीन के साथ आता है। आइकॉन्स कुछ इस टाइप के आइकॉन्स मिल जाते हैं। आप देख सकते हो ट्रांसलूसेंट डिजाइन में आइकॉन्स है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं। विजेट की बात करें तो आप देख सकते हो एक मिनिमल विजेट है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, क्लीन होम स्क्रीन है। कंट्रोल सेंटर की बात करें तो आप देख सकते हो ये कुछ इस टाइप के कंट्रोल सेंटर के साथ आता है। और नोटिफिकेशन पैनल आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का है। देन अगर हम जाते हैं यहाँ पर सेटिंग के अंदर तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो बैकग्राउंड है ये चेंज हुआ है, काफी अच्छा लगता है बैकग्राउंड। और बात करें लॉक स्क्रीन की तो ये थीम कुछ इस टाइप की एक ब्यूटीफुल लॉक स्क्रीन के साथ आता है। यहाँ पर भी एक ब्लर वॉलपेपर मिल जाता है जो कि काफी अच्छा लगता है। देन अगर हम यहाँ पर टैप करते हैं तो लॉक स्क्रीन स्टाइल चेंज होता है। यहाँ पर दो डिफरेंट लॉक स्क्रीन स्टाइल दी गई है, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो थीम का नाम है ग्रेडियंट ब्लू बाय डिजाइनर गुड बाई और इसकी सही है 29.9 MB। अब आते हैं एक डार्क थीम पे जो कि कुछ इस टाइप की एक डार्क वॉलपेपर के साथ आता है। होम स्क्रीन काफ़ी अच्छा लगता है इन आइकॉन्स के साथ, काफ़ी ब्यूटीफुल आइकॉन्स हैं। आप देख सकते हो मुझे इसके आइकॉन्स काफ़ी अच्छे लगे, स्क्वेयर शेप में आइकॉन्स हैं और जो विजेट है ये भी मिनिमल लुक के साथ आता है। बात करें कंट्रोल सेंटर की तो ट्रांसलूसेंट बैकग्राउंड मिल जाता है, कुछ इस टाइप का लगता है कंट्रोल सेंटर। और नोटिफिकेशन पैनल आप देख सकते हो यहाँ पर डार्क नोटिफिकेशन के साथ आता है। तो ये जो थीम है बाय डिफॉल्ट डार्क बैकग्राउंड के साथ आता है, तो इसमें आपको डार्क मोड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही काफी अच्छा लगता है। और ये जो थीम है डार्क मोड को सपोर्ट भी नहीं करता। देन बात करें लॉक स्क्रीन के तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के लॉक स्क्रीन के साथ आता है। सेम वॉलपेपर यहाँ पर मिल जाता है, iOS से इंस्पायर्ड लॉक स्क्रीन है आप देख सकते हो। और अगर हम यहाँ पर स्वाइप करते हैं तो कुछ इस टाइप का लेआउट देखने को मिल जाता है। तो थीम का नाम है टाइडल वेव और इसकी साइज है 13.5 MB, ये आपको थीम स्टोर पर मिल जाएगा। ओके, अब आते हैं हमारे लास्ट थीम पे जो कि है ब्लू बर्ड बाई डिजाइनर 19 और इसकी साइज है ओनली 8.6 MB। होम स्क्रीन की बात करें तो आप देख सकते हो एक डार्क वॉलपेपर के साथ आता है, एक ब्यूटीफुल बर्ड वॉलपेपर यहाँ पर मिल जाता है। आइकॉन्स यहाँ पर स्क्वेयर शेप में है। और बात करें कंट्रोल सेंटर की तो ये कुछ इस टाइप के कंट्रोल सेंटर के साथ आता है, आप देख सकते हो। देन अगर हम जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक बार वॉलपेपर मिल जाता है बैकग्राउंड में, बट यहाँ पर डार्क वॉलपेपर नहीं है। देन बात करें
लॉक स्क्रीन के, तो ये कुछ इस टाइप के लॉक स्क्रीन के साथ आता है। एक ब्यूटीफुल विजेट मिल जाता है कुछ शॉर्टकट्स के साथ। तो अगर आपको इस टाइप के लॉक स्क्रीन पसंद है तो आप इस थीम को ट्राई कर सकते हो। तो ये थे 5 मिनिमल थीम्स। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। दिस इज अंशुमान साइनिंग आउट।